नमस्कार सामग्री, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई साहब, चार दिन की छुट्टी है यार, चार दिन में क्या करें। ऑलरेडी प्लान हम लोगों ने कर लिया है। सर कहाँ गया? सो भाई, हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं सब माताजी के दर्शन करने के लिए। सो हम लोगों ने प्लान किया है कि निक्सा को हमारी कुलदेवी यानी राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेजा माताजी, वहां लेके जाएंगे जोधपुर। वहां से हमारा प्लान है बीकानेर जाने का, और जोधपुर में संतोषी माता के भी धोख देने का प्लान है। फिर हम लोग गांव जाएंगे। तो भाई, इसी बात पे फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ में है ना बेल आइकन पे क्लिक कर दो, सो दैट यू बी अपडेटेड ऑफ ऑल आवर वीडियो। चलते हैं यहाँ से। सब लोग तैयार हो चुके हैं, गाड़ी में सारा सामान हम लोगों ने पैक करके पहले ही रख दिया है। एंड और निक्सा जो है अभी दादू साहब के साथ में बातें कर रहा है, क्योंकि अभी दो दिन घूमेगा ना। अच्छा, क्या हुआ, चलो बताओ क्या हुआ। निक्सा क्यों गुस्सा करता है बताओ। बोलो खमागनी, बोलो खमागनी। चले अपन चले क्या? चलो ठीक है। हाँ चलो फिर, चले गाड़ी तू चलाएगा क्या है? दादी साके धोते देते हैं। सो दादू से दादी का आशीर्वाद लेके हम चल पड़े हैं जोधपुर, नहीं सॉरी बीकानेर। सो सैम इज ऑलरेडी। भाई मैंने सुबह इसको धो लिया था बढ़िया तरीके से, कपड़ा कपड़ा मार दिया था, चमक रही है भाई अपनी। ओए हेलो दादोसा के जा रहे हो क्या? माता जी के जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। चलो डॉग देने जा रहा हूँ। चलो वीआईपी, ये हमारे वीआईपी है इस ट्रिप के। आइए सर प्लीज, आई ओपन द डोर फॉर यू। की क्या हुआ बेटा को? बाय दादी साहब, बाय। देखो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी चुभनी शुरू हो गई अब। मम्मा कहाँ है? मम्मा निकल जाके, मम्मा कहाँ है बेटा? अच्छा दादा कहाँ है? ये दादा है क्या? से हाय, से हाय। बच्चा बदमाशी कर रहा है, ये चाइल्ड वाला बच्चा बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा। इस बच्चे की बदमाशी पिटाई करनी पड़ेगी। तो वाला टंकी करवा लेते हैं फुल यहीं से ही, देखते हैं कितने में फुल होती है। जहाँ तक मेरी गणित कहती है, हाँ बेटा बस मेरी गणित हो गई 40 तो 43 हो गया, 44। ओ भाई साहब, अबे 50 लीटर की टंकी है क्या? हाँ तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है तू? 4363 कर दो। तू देखो तुम्हारा हाथ खा रहा है, बच्चा भूखा हो गया, ये भूखू लगी है। भैया बिल दे देना यार। आज बहुत बड़ा ना पोपट हो गया हम लोगों के साथ में, क्योंकि गाड़ी का जब इंटीरियर हम लोगों ने चेंज करवाया था, तो ये जो सनशेड के अंदर में अपना फास्टैग यहाँ लगता मैंने चिपकाया हुआ नहीं है। उसका रीज़न है कि जयपुर से 100-150 किलोमीटर में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे अपना कहीं ना कहीं कोई लाइजनिंग बैठ जाती है, कोई जान पहचान का निकल जाता है, ठीक है। एट टाइम्स कुछ और रीजन भी हो जाते हैं, तो टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने उसको हटा के रखा हुआ था। अभी वो जो टैग था वो भूल गए, क्योंकि गाड़ी जब हम लोगों ने इंटीरियर मॉडिफिकेशन के लिए दी थी उसके बाद बीकानेर गया था। बीकानेर तो मैं किया सोनेट से गया था, तो याद ही नहीं रहा कि भाई वो वापिस से जो टैग है वो इस गाड़ी के अंदर रखना था। एक घंटा मेरा वेस्ट हो गया यार, एक घंटा। हाईवे तो बड़ा कूल है भाई, और उससे कूल अपनी गाड़ी लगती है अंदर बैठने के बाद में। अब तो जब से मॉडिफिकेशन करवाई है इट लुक्स टोटली डिफरेंट, गाड़ी चलाने की फील भी बहुत डिफरेंट आती है। ओहो नाका लगा हुआ है पुलिस वालों का। ये बीकानेर वाले से कट हम लोग लेंगे, लेफ्ट लेंगे वहाँ से देशनो के लिए। सो वो हाईवे बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया।
बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब ये हाईवे पे ना जानवर बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे रोजड़े बहुत आते हैं। तो करनी माता का मंदिर देशनोक जो है 50 किलोमीटर बचा है, बट आपको मैं अभी हाईवे दिखाता हूँ। ये हाईवे है अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे, और इतना प्यारा हाईवे बनाया है, हाईवे नंबर 754। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, बट इतना प्यारा हाईवे है ना, यू कैन क्रूज एट व्हाटएवर स्पीड यू लाइक। ये देखो भाई, मैंने तो क्रूज कंट्रोल अभी सेट कर देता हूँ इस पे 118 पे, ये क्रूज सेट कर दिया मैंने। ये देखो ठीक है, आराम से गाड़ी चलाओ। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं करनी माता के मंदिर, और लास्ट टाइम कहां से गए थे, आगे से गए थे, यस आगे से गए थे। काबा बोलते बेटा उनको, काबा चूहे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, काबा। बहुत भीड़ है नवरात्रि की वजह से। जबरदस्ती की होटल भगत पहले जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ ना, बोलो पार्किंग लगेगी यार। भाई पहले नहीं जाने दे रहे थे, ये तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया आप लोगों के सामने, तब आके हुकुम कराए, नहीं तो बोल रहे थे इसका पैसा लगेगा इस रोड से क्रॉस करने का। मतलब इंडिया में हर चीज का धंधा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं माता के, यहाँ पे पार्किंग कर दी है भाई, घुमा घुमा के ना गाड़ी खड़ी कर दी है। पहले पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे, फिर सिर्फ रोड क्रॉस करने के देवर चार्जिंग, बोला पर्ची कटा के जाओ पार्किंग की। मैंने बोला भैया रोड तो गवर्नमेंट ने बना के दी है, उसके थोड़ा ना पैसे लोगे। फिर जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग और करी, फिर एक बंदा पीछे से बोलता भाई यूट्यूबर है, उस बहाने से फिर अंदर जाने दिया। फिर अंदर से देखो कैसे चिपक बैठा हुआ है, क्या हुआ निकू बेटा, क्या हुआ निकू को, मेला लगा हुआ है यहाँ पे करनी माता देशनोक के अंदर। सो अंदर जो चूहे हैं उनको चूहे नहीं बोलते, उन्हें काबा बोलते हैं, तो काबा खाते हैं है ना। तो ये चने और ये बाजरा जो है ये काबा के लिए लेते हैं, बाकी जो ये प्रसाद है ये माता के लिए प्रसाद है। अरे अभी वहां डरते हुए, ये देखो विमान इधर से किधर, तेरे साइड ये देखो, ये देखो इतने सारे। क्या लेना है, कड़ा तेरा दादा कड़ा ले रहा है, तू लेगा कड़ा, कड़ा लेगा, कड़ा लेगा क्या, क्या चाहिए तेरे को हैं, कड़ा चाहिए, इनमें से देख ले, देखिए ब्लैक वाला ये ले ले, उधर है, अच्छा वो रे उधर आ जा, इधर 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 देख, नेक्स्ट कर दे, एक बार और कर दे। अरे ये तो लाल टपक गई निक्सा की, बेटा ठंडा है ना तेरे खांसी है ना। तो मैं और निक्सा तो आ गए हैं दोनों गाड़ी के पास में, विवान और नीतू गए हैं शॉपिंग करने, 60 रुपए की सारी चीजें 60 रुपए कर रहे थे। तो विवान बोलता है मेरे को जूस नहीं पिलाया तो मेरे को कुछ खिलाओ। सो गाइस करनी माता जी के दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गए, तो भीड़ बहुत थी ऑब्वियसली, नवरात्रा है तो दर्शन करने में थोड़ी बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए दर्शन मेरे, नीतू के, निक्सा के,
और विवान के सबके, विवान तो काबा देखने में बिजी था, विवान डर डर के चल रहा था, तो एक काबा मेरे पैर के ऊपर से उछल के गया, डर विवान गया लेकिन मजा आ गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अभी हम लोग निकल चुके हैं जोधपुर के लिए। करनी माता जब भी आओ आप लोग, ये वाला अगर जैसे पंजाब से कोई आ रहा है तो यू कैन टेक दिस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, बहुत शानदार एक्सप्रेस वे है, एक नंबर है। बट अभी जोधपुर जा रहे हैं, नागनेचा नगाना, नगाना जगह है वहाँ पे, नागनेचा माता जी का टेम्पल है, वो हमारी राठौड़ों की कुलदेवी है। सो राठौड़ क्लैन जो है उनकी कुलदेवी है, यानी हमारी कुलदेवी है, तो वहाँ पे दर्शन करके मत्था टेक के आशीर्वाद लेके, अगर इजीली अगर हमें लोगों को वहाँ पे रूम मिल जाता, क्योंकि वहाँ धर्मशाला वगैरह है, वहाँ एसी रूम्स वगैरह की सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर वो हो जाता है तो वी ट्राई टू स्टे इन नागनेचा माता टेम्पल, मंदिर में रुकने की कोशिश करेंगे। अगर रूम नहीं मिल पाता है इन दैट केस हम लोग चलेंगे जोधपुर सिटी के अंदर, सो दैट सुबह हम लोग उठेंगे और उठने के बाद में यू नो अपने बढ़िया रेडी होके, और उसके बाद में संतोषी माता टेम्पल जाके वहाँ पे संतोषी माता के दर्शन करके, और उसके बाद में फिर हम लोग निकल जाएंगे हमारे गांव के लिए। तो इसी बहाने आप लोगों को मैं अपना गांव भी दिखाऊंगा। तो अभी 5 बज रहे हैं, मेरे हिसाब से 7:30 तक हम लोगों को इजिली जोधपुर पहुंच जाना चाहिए, यानी नागनेचा माता टेम्पल पहुंच जाना चाहिए। फिर वहां दर्शन करने में लग जाएगा 1 घंटा, फिर वहां से अगर जैसे जोधपुर आता है तो वो पड़ेगा 60-65 किलोमीटर, तो वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ठीक है, मतलब अगर 9:30 तक भी अगर हम लोग जोधपुर आके अच्छा होटल में आके चेक इन कर लेते हैं तो सुबह आराम से उठ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि संतोषी माता टेम्पल जो है वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली, क्योंकि कल अष्टमी है, सो नवरात्रि की कल अष्टमी है, अष्टमी को लोग जो होते हैं यू नो कन्या पूजन और मंदिर वगैरह जो जाना होता है वो अष्टमी को बहुत रहता है, तो भीड़ बहुत मिलने वाली है।